जय हिंद साथियों। साथियों, खबर राजस्थान के झुंझुनू से आ रही है। राजस्थान के झुंझुनू के अलीपुर ग्राम पंचायत माली गांव का लाडला देश के लिए वीर गति को प्राप्त। साथियों, बीती रात को जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके परगल में स्थित आर्मी कैंप पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान हुए सेना और आतंकवादियों की मुठभेड़ में हमारे 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इनमें से एक जवान झुंझुनू के अलीपुर ग्राम पंचायत माली गांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद हैं। 48 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद पिछले महीने ही छुट्टी पर गांव आए थे। छुट्टी बिताने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। साथियों, बताते चले कि शहीद जवान राजेंद्र के परिवार में उनके भाई एक टीचर है, जबकि उनकी 2 बेटी है और एक बेटा है। बेटे की अगले साल मार्च में शादी थी, जिसको लेकर वह काफ़ी उत्साहित थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई अध्यापक ने बताया कि बीती रात को उनकी बेटी से बात भी हुई थी, जब तक वहां सब कुछ ठीक था। देर रात को आतंकवादी आर्मी कैंप में घुसे और मुठभेड़ में राजेंद्र प्रसाद भावुक देश के लिए शहीद हो गए। हालांकि अभी राजेंद्र प्रसाद भावुक के शहादत की अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उनके भाई राजेंद्र और सरपंच प्रतिनिधि ने अजीत ने शहादत की सूचना की पुष्टि की है। वहीं गांव में शहीद होने की सूचना मिलते ही मातमी सन्नाटा परस गया, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साथियों, वहीं बता दें कि स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उनके इस अदम्य साहस को नमन किया है। साथियों, शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके गाँव में किया जाएगा। वहीं बता दें कि चर्चा है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के रजौरी के परगल में उरी जैसी साजिश की तहत यह हमला किया था। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फायरिंग में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। शहीद वीरों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वहीं उनके वीर परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ।